क्विक सर्विस रेस्तरां श्रृंखला केएफसी और पिज्जा हट को सोशल मीडिया पर लोगों के नाराजगी का शिकार होना पड़ा। इसके बाद दोनों ने सामने आकर लोगों से माफी मांगी। तो आखिर क्या हुआ कि केएफसी और पिज्जा हट को लोगों के नाराजगी का शिकार होना पड़ा और इस बात पर उन्होंने माफी मांगी? नमस्कार, मेरा नाम रोहित तिवारी है और स्कूप बीट्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीते दिनों ट्विटर पर बायकॉट का ट्रेंड खूब चल रहा है। लोग कभी इस कंपनी को तो कभी उस कंपनी को बायकॉट कर रहे हैं। बायकॉट होने के बाद कंपनियां सामने से आकर माफी भी मांग रही हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो कुछ दिनों पहले ट्विटर पर लोगों ने बायकॉट ह्यूंडई का ट्रेंड चलाया था, क्योंकि ह्यूंडई पाकिस्तान ने कश्मीर सॉलिडरिटी डे के समर्थन में ट्विटर पर ट्वीट किया था। इसके बाद ह्यूंडई को सामने आकर भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी और अपनी राय स्पष्ट करनी पड़ी थी। पर अब बायकॉट की ताजा घटना केएफसी और पिज्जा हट से जुड़ी है। ह्यूंडई की तरह केएफसी और पिज्जा हट के पाकिस्तानी फ्रेंचाइज ने कश्मीर सॉलिडरिटी डे का समर्थन किया था। अपने ट्वीट में केएफसी पाकिस्तान ने लिखा था कि इस सॉलिडरिटी डे के दिन हम उनके आजादी के अधिकार में उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद दोनों कंपनियों को सामने आकर इस ट्वीट पर माफी मांगनी पड़ी। केएफसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उस पोस्ट के लिए दिल से माफी मांगते हैं जिसे देश के बाहर से केएफसी के कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर प्रकाशित किया गया है। हम भारत का सम्मान करते हैं और हम गर्व के साथ भारतीयों के सेवा करने के अपने संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि केएफसी और पिज्जा हट के पूरे देश में 450 से भी ज्यादा रेस्तरां चेन हैं और भारत में इन दोनों का बाजार काफी बड़ा है।